और इस वक्त बड़ी खबर का रुख करते हैं, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। आपको बताते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के घर कांग्रेस की मीटिंग, बैठक में शामिल होने पहुंचे राहुल गांधी, कर्नाटक इलेक्शन के उम्मीदवारों के नाम होंगे तय। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर कांग्रेस की मीटिंग, बैठक में शामिल होने के लिए राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त, मल्लिकार्जुन खड़गे के घर कांग्रेस की मीटिंग इस वक्त जारी, बैठक में शामिल होने पहुंचे राहुल गांधी। तो राहुल गांधी कर्नाटक इलेक्शन के उम्मीदवारों के नाम तय करने पहुंचे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के घर। इस वक्त ये मीटिंग हो रही है, बड़ी जानकारी, कांग्रेस की मीटिंग इस वक्त जारी, मल्लिकार्जुन खड़गे के घर कांग्रेस की ये बैठक इस वक्त जारी, बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं राहुल गांधी। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर कांग्रेस की मीटिंग जारी, बैठक में शामिल होने पहुंचे राहुल गांधी। तो ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, कर्नाटक इलेक्शन के उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए ये बैठक की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, जो मल्लिकार्जुन खड़गे यानी कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष इस वक्त हैं उनके घर पर ये मीटिंग हो रही है और बैठक में शामिल होने राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर कांग्रेस की मीटिंग, और ज्यादा जानकारी के लिए सैयद मुबशिर इस वक्त हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए। मुबशिर, कर्नाटक इलेक्शन के उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे के घर इस वक्त हो रही है जिसमें राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, इसको लेकर क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल हैदर, देखिए तकरीबन एक से दो घंटे के अंदर ये मीटिंग फाइनल होगी, तब जो बचे उम्मीदवारों के नाम है वो कांग्रेस की तरफ से कर्नाटक चुनाव के लिए बाहर आएंगे। और साफ तौर पर जिस तरीके की जद्दोजहद इस बार देखने को मिली है, कांग्रेस किसी तरीके से भी कमतर आंकना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, क्योंकि इस बार कांग्रेस पूरी तरीके से फूंक फूंक के कदम रख रही है। जो चुनाव है, जो चुनावी प्रक्रिया है, कैंडिडेट का सिलेक्शन है, वो बड़े एहतराम से इत्मीनान से किया जा रहा है ताकि किसी तरह की कोई कोताही फिलहाल ना बजे। हालांकि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश समेत बड़े जितने नेता हैं वो पहुंचे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर। अब देखना यह है कि कुछ देर के बाद ही स्थिति थोड़ा साफ हो पाएगी कि कितने जितने जो लोग बचे हैं उनके किन किन के नामों पर जो है मोहर लगी है। जी हैदर, बिल्कुल, तो ये देखना अहम होगा कि किन के नामों पर मोहर लगी है मुबशिर। लेकिन जिस तरह से बैठक हो रही है, इस बैठक में बताया जा रहा है कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो इस वक्त बैठक में मौजूद हैं। राहुल गांधी कितनी देर पहले इस बैठक में पहुंचे मुबशिर? देखिए तकरीबन आधा घंटे के आसपास हुआ है जो राहुल गांधी अभी पहुंचे हैं इस बैठक में, और कहीं ना कहीं इस पर जो रणनीति बनाने के लिए, हालांकि कवायद काफी पहले से थी, क्योंकि कांग्रेस ने इस बार कोई जल्दबाजी भी नहीं दिखाई और बहुत लेट भी नहीं हुए। कांग्रेस ने टाइम से पहले जो है तकरीबन 150 लोगों के आसपास की जो लिस्ट है कर्नाटका चुनाव की वो जारी कर दी थी, ताकि जो कैंडिडेट है जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनको टिकट दिया गया है कांग्रेस की तरफ से, वो अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर सके। तो ये थोड़ा सा देखना होगा कि अब जो बचे लोग हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि बीजेपी की जो लिस्ट आएगी 7 बजे के बाद, वो उसका भी थोड़ा सा दारोमदार टिका हुआ है।